बिग मैजिक गंगा के दर्शकों को तृप्ति शाक्या का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भक्ति रस की उस धारा में जिसका नाम है उगीना सुरुज देव, जहां हम छठ पर्व पर अपनी विशेष प्रस्तुति के साथ छठ की महिमा सुना रहे हैं। महापर्व छठ का आज चौथा और आखिरी दिन है। श्रद्धालु सूर्योदय से 2 घंटे पहले सारा नया पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जाते हैं। सूर्य देव की प्रतीक्षा में महिलाएं हाथ में पूजा के सामान से भरा सूप लेकर सूर्य देव की आराधना नदी में खड़े होकर करती हैं। जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण दिखाई देती है, सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है और उदयाचल सूर्य देव को अर्घ देने की शुरुआत हो जाती है।
से अल्प विराम का छठ महापर्व के दूसरे अर्घ की महिमा के साथ जारी है उगीना सूरज देव। छठ पूजा में कोशी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी प्रिय के लिए छठ माँ से मनौती करता है तो वह पूरी करने के लिए कोशी भरी जाती है। सुबह अर्घ देने के बाद व्रतधारी शरबत पीकर या प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलती हैं। उसके बाद परिवार व सभी परिजनों में प्रसाद बांटा जाता है। छठ घाटे जाय के पलनवा कोला ये भौजी हो छठ घाटे जाय के पलनवा कोला ये भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी छठी घाटे जाय के पलनवा कला ये भौजी हो छठी घाटे जाय के पलनवा कला ये भौजी की छठी माई की छठी माई की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी फूल नरियर पियरी मंगाला हाली हाली कॉल तैयारिया मैया के कृपा जे होई मोरी भौजी घरवा में गुज गिल करिया छठी माई की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला ये भौजी पेरक चढ़ेबू चमकी तो हर तक दीरिया साल भर के भीतरे सोहरो गवाई करी हन तनी को फिकीरिया चहके लागी मन के सुगनवा छठी माई की छठी माई की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला हे भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला हे भौजी
ಒಕ್ಕೆ ದಿನ ಅವರಾಯಿ ಜಾಯಿ ತೋರು ಹಸಿ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಯು ಮೀರಿಯ ಛಠಿ ಘಾಟ ಜಾಯಿ ಕೆ ಚಢೈ ಹತು ಭೌಜಿ ಹೆಕುವ ಮಿಠಾಯಿ ಅಪಿಯರಿಯ छठी माई गोदिया में दी ललन मा पलनवा कला हे भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललन मा पलनवा कला हे भौजी छठी घाट जाके पलनवा कला हे भौजी हो छठी घाट जाके पलनवा कला हे भौजी के छठी माई के छठी माई के छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला हे भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला हे भौजी की छठी माई गोदिया में दी ललनवा पलनवा कला हे छठ महापर्व करने वालों की आस्था है कि छठ मैया के प्रताप से कुष्ठ रोगी निरोग हो जाता है। वक्त है एक छोटे से अल्प विराम का। छठ महापर्व के दूसरे अर्घ की महिमा के साथ जारी है उगीना सूरज देव। छठ महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों और भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की। पटाखों के धमाकों और लाउडस्पीकर के शोर से दूर ये महापर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठी मैया की महिमा पा चलो छठ पूजन करे, छठी मैया की महिमा पा चलो छठ पूजन करे, चलो छठ पूजन करे, चलो छठ पूजन करे। मैया सुनती है, मैया सुनती है, मैया सुनती है सबकी पुकार, चलो छठ
इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। तो आइए हम सब मिलकर आज से, अभी से ये वचन लेते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती या दूसरी किसी भी नदी, तालाब और अपने शहर को साफ रखेंगे। अगर प्रकृति है तो हम हैं। इसी के साथ आस्था का महापर्व छठ पर्व पर अपनी विशेष प्रस्तुति उगी ना सूरज देव यहीं समाप्त होता है। जय छठी मैया।